बताओ कल क्या पढ़ा पीछे? खत्म। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? कितने अमीनो एसिड से? चार। क्या बोले? चार बना दिया यार। देखिए ध्यान से, पहले आपको क्या पढ़ाया था? इधर ध्यान से देखो, बोलो पहले क्या पढ़ाया था? पहले क्या पढ़ाया था? कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? नंबर दो। नंबर दो पे क्या पढ़ाया? नंबर तीन पे क्या पढ़ाया? इसे देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट को बांटा था हम लोगों को भाग में। पहले यानी कौन सा था? पहले कौन सा था? दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? क्या बोल रहे भाई? डाई पाली 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 से दिए आता है। हम लोग कितने भाग में बांटा था? तीन। कौन सा है? अब डाय अगर पूछेगा मोनोसेक्राइड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ग्लूकोज और क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। जो ऑप्शन में आपका तीसरा था, ठीक है। डाई यानी कि डाइसेक्राइड में आपके पास जो दो मिलकर बना देगा वो कौन सा हो जाएगा? डाइसेक्राइड। दो मिलकर बना देगा क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड। तुम्हारे नंबर है देना आपके पास। ओके, कंफ्यूज हो जाता हूं तुम दोनों लोगों। आपको बताया था इसे हमारे शरीर में पचता नहीं। पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल कौन से है? कौन कौन से एग्जांपल है? याद रखिए एग्जांपल, आपको दिमाग नहीं है। आपकी बार पेपर में पूछा गया था मोनोसेक्राइड के कौन सा नहीं है, माइटोज उसका आंसर था, ठीक है। वसा आपको पढ़ाया था, वसा हमारी सुंदरता में निखारता है। उसके बाद आपको प्रोटीन पढ़ाया, प्रोटीन पढ़ा दिया था सभी को। देखिए ध्यान से, प्रोटीन है ना 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो एसिड से? कितने अमीनो एसिड से? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, यानी कि 10 हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। 10 कितना? हमारा शरीर खुद निर्माण करता है। और 10 हम लोग भोजन से लेते हैं। 10 हम लोग किससे लेते हैं? 10 हम लोग किससे लेते हैं? भोजन से लेते हैं। 10 हम लोग किससे लेते हैं? और ये 10 अपने आप खुद से निर्माण कर लेता है, ठीक है। इसके आगे पढ़ाया था और कुछ पढ़ाया था? और क्या पढ़ाया था? हाँ, ये किससे मिलकर अगर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऊर्जा यानी कि हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ मिलती है और किससे जल्दी मिलती है, ये सभी लोग देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग डालेंगे वसा, प्रोटीन, अभी तीन ही देखे हम लोगों ने ना, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। आपको ये चैप्टर ना याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई सलूशन नहीं। इसके बाद हम लोग यानी कि अभी जूलॉजी फिर बॉटनी घुस जाएंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। आप लोग की मैं बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, अभ्यास देखिए। वसा और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में यानी कि वसा है ये 9.3 कैलोरी, कितना? 9.3 कैलोरी पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 9.3। कितना पाया जाता है? 9.3 कैलोरी। जो प्रोटीन है 4.3 कैलोरी, प्रोटीन कितना पाया जाता है? 4.3 कैलोरी। जो कार्बोहाइड्रेट है ना ये हमारे को 4.2 कैलोरी पाया, कितना पाया जाता है? याद ही करना पड़ेगा, अभी देखिए लिखिए मत यार, इधर ध्यान से देखो। वसा कितना पाया जाता है हमारे शरीर में? कितना पाया जाता है? एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिए, जो आपको एग्जैक्ट नहीं याद रखनी होती है हम डायरेक्ट ऑप्शन से हटा देते हैं, यानी कि पॉइंट वाला पॉइंट वाला क्या पता, क्योंकि देखो अंतर सिर्फ एक ही दो का, नहीं तो मैं इसको चार याद करा देता, इसको भी चार याद करा देता और इसको नौ याद करा देता। अब कारण क्या? ये तीन है, ये दो है, अब इसी में फिर हाथ देगा आपको, इसलिए पॉइंट वाला भी याद करना पड़ेगा। यानी कि हमारे शरीर जो वसा हमको देता है ना, कितना देता है? 9.3 कितना देता है?
जितना वैसा होगा उतनी ही उसको ठंडी कम लगती है, उतनी ही उसको ठंडी क्या लगती है, कम लगती है। ठंडी क्या लगती है, कम। अरे भाई इंसान है, बाहर की बात सारी लगती उसको भी। लड़कों में हमारे गाँव में अभी बता, ध्यान से देखे, कैलोरी होती है 4.3, कितना होती है कैलोरी हमको वसा से प्राप्त होती है, प्रोटीन से कितनी प्राप्त होती है 4.3, और कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से कितना वसा से हमको जो ऊर्जा मिलती है 16%, कितने परसेंट, और जो प्रोटीन से हमको ऊर्जा मिलती है 15%, कितने परसेंट, जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है हमको कितने 1%, कितनी परसेंट, और जो जल से मिलती है 65%, जल से कितनी मिलती है, जल से कितनी मिलती है 65%, लगभग कितना हो गया होगा, 97 तक तो पहुंच ही गया होगा ये, यानी कि 15 × 30 = 31, यानी 15 × 30 = 32 में क्या 97 हो गया, और 3 यानी कि 97 हो गया, और यानी कि जो 3% होता है आयरन होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें होती है 3% में आ जाती है, तो इतना समझ में आ रहा है सभी को, हमारे शरीर में जल कितने परसेंट, कितने परसेंट ऊर्जा देता है, बस यानी कि कैलोरी कितना प्राप्त करेगा, कितना कैलोरी, प्रोटीन कितने कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट कितना, वसा हमारे शरीर में कितने परसेंट, कितने परसेंट, प्रोटीन कितने परसेंट, और कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट। आप सभी के मन में देखिए, हम लोग खाते क्या है, कार्बोहाइड्रेट, हम लोग खाते क्या है, खाते कि नहीं खाते, और सब हमारे शरीर में किसी के वसा है ही नहीं कभी, यानी कि किसी के वसा है ही नहीं, और कोई यानी कि प्रोटीन ऐसा है नहीं, यानी कि मिले कि ना मिले, जो चाहिए हम लोगों को वो नहीं मिल सकता, जो 10 है वो तो बना ही लेगा। अब हम लोग खाते क्या, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से सुनिए, खाते क्या हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो फिर ये इतनी ऊर्जा कम क्यों दे रहा है, ये कौन बताएगा, बता सकते हो, देखो वसा दे रहा है 16%, वसा कितना दे रहा है 16%, और ये महिलाओं में 16 से 20% हो जाता है, कितना हो जाता है 20%, इसीलिए आप सभी लोगों ने देखा होगा महिलाओं को ठंडी कम लगती है, हकीकत बात है, यानी कि महिलाओं को ठंडी क्या लगती है, कम लगती है, शादी वगैरह देख रहे इतनी इतनी ऐसे चली जाएंगे, ओहो बहुत ठंडी है भाई, ये सब ताते अभी कभी महिलाओं को देखा तो नहीं सर, हाथ सेकते वगैरह कम लगती है, हाँ देखा है, अरे कम फेंकती है भाई, उनको ऑलरेडी ठंडी कम लगती है, लगती कि नहीं लगती आपको, लगती है, ओके भी लगती है, जानते जल कितना परसेंट, जानते सुनो जल कितने परसेंट, जल कितने परसेंट, और साथ कैलोरी कितना प्राप्त करेगा, कितनी कैलोरी, प्रोटीन कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना, वसा कितने परसेंट, 16। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट हम यानी कि सभी लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल पीते हैं, होंगे ठीक है, ध्यान से देखिए, और कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा कितना दे रहा है 1%, इसका कारण क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट यानी जो बोल रहे हैं ना, ये जो ऊर्जा बनने वाले सबसे जल्दी ऊर्जा कौन बना देता है, हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट, कौन बना देता है, कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग बोल रहे हैं ना ये किसकी वजह से बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, किसकी वजह से बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, अगर इसी में आपको व्रत रख दिया जाए, यानी कि उपवास रख दिया जाए, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि लगभग 10 घंटे 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे चलेगा, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा वसा पर, वसा टूटना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, वसा टूटना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अगर मोटे लोग ग्राउंड चालू करते हैं सिर्फ वजन घटाने के लिए, तो उनको बताया जाता है कि आप सलाद का सेवन करें, किसका सेवन करें, सलाद, ताकि यानी कि वो रहेगा, यानी कि देखिए ना, आप तो कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, आपके शरीर में ऊर्जा बनाएगा नहीं, आपके शरीर में ऊर्जा तो वो बनाएगा नहीं, ऊर्जा बनाएगा नहीं तो आपका नंबर किस पे आ जाएगा, वसा पे, और वो वसा कट कट के खत्म हो जाएगा धीरे धीरे से, तो इसलिए यानी कि सलाद का कहीं कुछ ये फालतू गिरी है, जितना है उतना कम करें, धीरे धीरे से एक्सरसाइज करते रहिए, कम हो जाएगा, जितना दिया भगवान ने दिया, ठीक है, अब किसी के बीमारी हो जाती है, ठीक है, फिर यानी कि जब वसा का नंबर खत्म हुआ, सबसे बाद में टूटेगा कौन, प्रोटीन, सबसे बाद में कौन टूटेगा, प्रोटीन, कौन टूटेगा, प्रोटीन, हम लोग जब कभी कभी तो क्या चालू क्या हो जाता है, प्रोटीन का टूटना, किसका चालू हो जाता है, किसका चालू, देखा होगा आप सब लोग जब बीमार पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं, बीमार, और कभी कभी 1-2 महीने खा तो वहां शरीर से टूटने नहीं लगता है, तो बोलते हैं कि इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, चालू किसका हुआ, उधर प्रोटीन का चालू हुआ, यानी कि जब ऊर्जा, ये प्रोटीन सबसे लेट ऊर्जा यानी कि निकालता है, सबसे कम ऊर्जा देता है, समझ में आ रहा है किसी को, दिक्कत है, पक्का दिक्कत, याद हुआ कि नहीं, याद हुआ एक बार ईमानदारी से बोलेंगे, ठीक है, हमारे शरीर में वसा कितने कैलोरी, वसा कितने कैलोरी, कितने कैलोरी, प्रोटीन कितने कैलोरी,
कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी है? वसा हमारे शरीर में कितने बचे हैं? प्रोटीन कितने बचे हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने बचे हैं? इसका पता चल गया क्यों ये काम है, निकाल लेते हैं ताकि, और जल कितना बचे हैं? याद हो गया, ईमानदारी से बोला, बताइए ऊर्जा हमें कहाँ से, यानी कि वसा से कितनी प्राप्त होती है, कितने कैलोरी? कितनी कैलोरी? और यानी कि प्रोटीन से कितनी? चार दशमलव तीन, नौ दशमलव तीन, और फिर उसके बाद यानी कि जो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, चार दशमलव दो, चार दशमलव दो, और यानी कि इधर परसेंटेज में अगर पूछेगा क्या कि वसा कितने परसेंट, जल कितने परसेंट, हमारे शरीर में कितना पानी पाया जा रहा है, 65%, कितना परसेंट, 65%, कुछ भी करे अगर हमको 1% यानी कि 1% की कमी करती है तो हम लोगों को प्यास लगना चालू हो जाती है, 1% अगर लगा तो हम लोगों को क्या प्यास, और 10% में निपटा देगा, काम ही खत्म कर देगा। समझ में आया, ऊर्जा का समझ में आया, किसी को दिक्कत है? अभी एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे, ठीक है, और आपको याद होगा तभी आपका करेक्ट होगा, इसमें तुक्का बुक्का कुछ नहीं, लगभग में कहीं भी चलने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को एकदम ईमानदारी से पढ़ना है, आपको याद ही करना भाई, इसको कैलोरी को हम क्या कर सकते हैं, कैलोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, याद ही करना, 9.3, 4.3, 4.2, 16%, 15%, 1%, 10%, 60%, याद ही करना पड़ेगा, अभी याद हुआ सभी को, याद हुआ, तो यानी कि आपका प्रोटीन यानी कि खत्म हो गया, इसके आगे कौन सा था, चौथा नंबर, खनिज था कि विटामिन थी, विटामिन देख लो आप, विटामिन ये पीछा ना लिख लिया सभी लोगों ने, लिख लो जल्दी इसको लिखो, छोड़ दिया यार तुमने, बहुत चैप्टर ही छोड़ दिया, ये तीन समझा चुके, तीन पोषण था, हाँ पोषण था, पोषण, चलिए लिख गया, ध्यान से देखो आप, देखते विटामिन, अगर विटामिन की खोज पूछेगा तो ल्यूमेन ने की थी, किसने की थी खोज, किसने की थी, ल्यूमेन, नामकरण फंक ने किया था, नामकरण किसने किया था, फंक, और ऑप्शन में कभी भी ल्यूमेन आता नहीं है, ऑप्शन में ल्यूमेन आता नहीं है, याद रखना है आपको, खोज किसने की है, खोज किसने की है, नामकरण किसने किया है, ऑप्शन में अगर आपको यानी कि ल्यूमेन ना दिखे, और अभी तक इतना पूछा गया तो ल्यूमेन देता ही, यानी कि विटामिन की खोज किसने की है, तो डायरेक्ट ये क्या लाइट आई, ये क्या हुआ है, रात भर लाइट नहीं है, अरे फूट जाता है, चलो इधर ध्यान से देखो, विटामिन पढ़ा रहे थे, ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो, आपको विटामिन पढ़ाए थे, खोज किसने की है, किसने की है, नामकरण किसने किया है, खोज किसने की है, इसको याद रखना भाई अच्छे से, ठीक है, हाँ ल्यूमेन, चलो ध्यान से,
रख लेना ओके। जोन सी मात्रा चढ़ानी है चढ़ा देना, उसका मेकअप कर दिया है, मेकअप में सब छिप जाता है, कोई भी कितना नहीं कह सकता इसका क्या कर दिया मेकअप ओके। अब देख लेना, चलिए विटामिन की खोज किसने की है? इतना याद हुआ, याद हुआ। अब देखिए विटामिन आने के कई प्रकार से हैं, ए बी सी डी ई विटामिन है कई प्रकार से, ए बी सी डी ई के और एच। आपको सभी लोगों को ट्रिक याद कराएगी, डब्ल्यू बी सी, यानी कि डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वाटर और बी से हो जाएगा विटामिन बी, बी से सी से हो जाएगा विटामिन सी। ये होती है वाटर में यानी कि पानी में घुलनशील, और बाकी जितनी आपको जितनी वसा में घुलनशील होती है, बाकी किसमें घुलनशील होती है? एक एक क्वेश्चन पास देगा आप दिमाग से हिल जाओगे, उधर जब एग्जाम इधर भी एग्जाम होता है तब एकदम को बात नहीं समझी, अभी समझो इसलिए बता रहे। देखिए ध्यान से, W याद ठीक याद रखना है, W B C, आपको R B C W B C एंड प्लेट ने पढ़ाए थे तो उससे याद रखना है, W B C यानी कि W से हो जाएगा वाटर, W से क्या हो जाएगा वाटर, W से वाटर यानी B यानी कि विटामिन, यानी कि ये किसमें घुलनशील है पानी में, बाकी किसमें घुलनशील हो जाएंगे, बाकी किसमें वसा, बाकी किसमें वसा, अभी को समझ में आ रहा बाकी किसमें वसा में, तब ध्यान से देखते एक एक विटामिन देख लेंगे। H है, K है, T है, E D C A B। अब देखते हैं एक-एक विटामिन को, ठीक है? अभी लिख लीजिए इतना जिसको लिखना है, फटाक से लिखो। पढ़ाएं, पढ़ाएं विटामिन है। चलो इतना लिखिए सभी लोगों ने। विटामिन के, देखिए विटामिन ए का नाम कर पूछा आपको बताना है, रेटिनॉल क्या नाम है, साइंटिस्ट का नाम, यानी कि देखिए यही पूछा विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, क्यों? ये क्योंकि यानी कि हमको आंख यानी कि आंख में क्या करती है साथ, आंख आंख में क्या करती है साथ, याद रखिए विटामिन ए है ना ये हमको संक्रमण, आप सुनते रहिए ऐसी भाषा ठीक है, विटामिन ए है ये संक्रमण से बचाती है, किससे बचाती है प्रतिरक्षी है, ये पीले रंग फलों में पाई जाती है, किसके पीले पीले रंग के फलों में पाई जाती है, पीले रंग के फलों में पाई जाती है, पीले रंग के फलों में पाई जाती है। इसकी मात्रा सबसे ज्यादा गाजर किसमें होती है? गाजर सबसे यानी कि प्रचुर यानी कि देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होता है? गाजर, सबसे ज्यादा गाजर, फिर उसके बाद आम वगैरह पपीता वगैरह आ गया, ये सब पीले फल है, ठीक है? इसकी यानी कि अगर इसकी कमी होगी तो रतौंधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप सभी को? रतौंधी, रतौंधी का मतलब होता है यानी कि गाजर, ठीक है? अभी लिख लीजिए इतना जल्दी से, स्पीड तो नहीं हो रहा आज, रतौंधी रतौंधी चलो हो गया, हड्डी तो पीले फलों के रंग में पाई जाती, क्या प्रतिरक्षियां? नहीं पूछेगा भाषा ही है उसकी, सभी प्रतिरक्षियां, अगर इसका नहीं भी लिखना चाहो तो मत लिखो, तो ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन, लिख मारे दर्ज। देखिए विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है इसका? नाम पूछेगा नाम क्या है? नाम क्या है विटामिन ए का? नाम विटामिन ए का नाम ये हमें किससे बचाती है?
कौन से रंग के भगवान का सबसे ज्यादा मात्रा काम में होगी? कौन सी बीमारी होगी? किसी को दिक्कत? विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम दिक्कत दिक्कत बताइए विटामिन ए का नाम क्या है? किससे बताती है? कौन से फलों में पाई जाएगी? सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी है? चलिए अब दूसरे देखिए विटामिन बी। विटामिन बी का नाम है थायमिन। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम जब बोला करे तब लिखा करो, अभी जितना बोले उतना। विटामिन ए का नाम विटामिन बी का नाम इसको हम लोग बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि ना ये देखिए B1, B2, B3, B5, B6, B7 B12, B11 इतने भागों में बटी है। आपको इतने भागों में बटी है और इनके यानी कि साइड नाम आपको रटना पड़ेगा, तो इसको भी थोड़ा सा साइड करते पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ेंगे, ठीक है? ओ पीछे आवाज ध्यान से सुन, चलिए सर ध्यान से सुन। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन। थायमिन यानी कि इसके कई भाग है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, B8 तो इसको हम लोग ना साइड में करते हैं, विटामिन सी देख लेते हैं, विटामिन डी देख लेते हैं, यानी कि आज ही खत्म हो सकता है, नहीं तो पूरा चैप्टर ये ही पूरा चलेगा। तो इसकी बीमारी के नाम यानी कि इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, विटामिन सी के बारे में देखते हैं, ठीक है? किसी को दिक्कत है? विटामिन कौन सा हो जाएगा? सी। विटामिन कौन सा? सी। स्वादिष्ट क्या है इसका करेक्ट हम देते हैं। नाम लिख लो उसका, करेक्ट नाम लिखना, ठीक है? विटामिन ए का नाम क्या है? विटामिन ए का नाम क्या है? बोलने का ट्राई करो, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? ध्यान से देखिए, ये किस में पाया जाएगा? खट्टा। खट्टे लिख देते, खट्टे। ये किस में पाया जाएगा? खट्टा। खट्टा लिखे, क्या लिखे? ठीक है, इसकी सबसे प्रचुर मात्रा आंवला किस में पाया जाएगा? अरे गुड़, गुड़ कहाँ से देखो खट्टा लगता है? गुड़, ओके। यानी कि विटामिन सी का खट्टे, ये तो सभी को पता है, विटामिन सी का खट्टे, विटामिन सी का खट्टे, इसकी सबसे प्रचुर मात्रा क्या है? आंवला। आंवला जानते हो ना? आंवला जानते हो ना? समझो, ये देखिए लिखो, ओए दूध में नहीं पाया जाएगा, दूध में नहीं पाया जाएगा। अगर दही वो बना दिया जाएगा तो दही में क्या होगा? पाया जाएगा। दूध में नहीं पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा। और मांस में नहीं पाया जाएगा, मांस में नहीं पाया जाएगा। दूध में नहीं पाया जाएगा, मांस में नहीं पाया जाएगा। पनीर और अंडे में नहीं पाया।
किसी को विटामिन में दिक्कत चल रही है, याद हो रहा है? बोलते रहना नहीं तो फिर चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए एग्जाम ऐसे आपको रटा है तभी आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए, विटामिन जो होता है स्टोर नहीं कर सकता, ये विटामिन सी स्टोर नहीं कर सकता, विटामिन ए भी स्टोर हो जाएगा, विटामिन बी भी स्टोर हो जाएगा, विटामिन सी स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी क्या स्टोर नहीं होता, ये है ना यूरिन यानी कि पेशाब के रास्ते से, जब यानी कि इसको लगेगा पेशाब के रास्ते से निकाल देगा, किसके रास्ते से, पेशाब के रास्ते से। हम लोग जब खाना बनाते हैं खाने को उबाल दिया जाएगा तो विटामिन यानी कि सी खत्म हो जाएगी, उबाल दिया जाएगा तो विटामिन सी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। विटामिन सी क्या होगी, खत्म हो, ऐसा नहीं स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर भी यानी कि खाने को उबाल दिया गया, कोई भी सब्जी को उबाल दिया गया तो विटामिन सी खत्म हो जाएगी, अगर इसे छील दिया गया तो विटामिन सी खत्म हो जाएगी। ध्यान से सुनते रहिए, अगर सब्जी को कोई छील दिया गया इसे लेकर तो विटामिन सी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि अगर उबाल दिया तो विटामिन खत्म हो जाएगी, पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी। अगर शराब पी लिया तो विटामिन सी को नष्ट कर देगा, शराब पी लिया तो विटामिन सी को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये घाव भरने के काम में आती है विटामिन सी, किसके घाव भरने के काम में आती है, किसके भरने के काम में आती है, घाव भरने के काम में आती है। आज ऐसा लग रहा पढ़ाने वाली फिली लिखिए भाई, शराब नष्ट कर देगा विटामिन सी को, लिख लीजिए जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, मीठे से एक शराब खत्म करेगा विटामिन सी को, शराब नहीं खत्म होगा जाके, हाँ और खट्टे से भी होता है, मीठे से भी होता है। चलिए आवाज क्या कर रहे हो, आवाज मत करो, ध्यान से समझो, चलो इधर ध्यान से, दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को, पक्का दिक्कत, क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ये चैप्टर ही ऐसा याद है तो पूछे, यानी कि कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखिए विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ पे पाया जाएगा, कौन से फल में सबसे ज्यादा, दूध में पाया जाएगा, मांस में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा, तो यानी कि ये स्टोर स्टोर नहीं करेगा, पेशाब के रास्ते से क्या हो जाएगा, अगर खाने को उबाल, भाई सभी लोग खाना उबाल के ही खाते हैं तो यानी कि खत्म कर देगा, अगर छील दिया विटामिन सी खत्म हो जाएगी, अगर शराब यानी कि शराब पी ली विटामिन सी का खत्म कर देगा, और यानी घाव भरने के काम में आता है। किसी को दिक्कत, पक्का दिक्कत है, विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन की खोज, नामकरण, विटामिन के कई भाग बताए, ओए क्या हो गया भाई, ध्यान से देखिए, विटामिन की खोज किसने की है, खोज किसने की है, नामकरण, आपको कई भागों में बताया, ए बी सी डी ई के एफ, कौन से पानी में घुलनशील है, कौन से घुलनशील है, कौन से घुलनशील है, ठीक है, आपको विटामिन ए पढ़ा, विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम किससे बचाएगा, किससे बचाएगा, ये कैसा होता है, कौन से फलों में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा इससे रोग कौन सा हो जाएगा, ये मछली, और ध्यान से सुनिए, गाजर के बाद इधर डालिए, मछली के यकृत में भी पाया जाता है, मछली का यकृत यानी कि मछली का लीवर, और पनीर हो जाएगा, अंडा हो जाएगा दूध में,
क्या क्या हो जाएगा, गाजर, मछली का यकृत, पनीर और क्या हो जाएगा, अंडा, क्या क्या हो जाएगा आपको मेन याद रखना है, गाजर, फिर उसके बाद मछली का यकृत, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, मछली का यकृत और मछली का तेल, फंसा देगा इधर ही, मछली के तेल में पाया जाता विटामिन डी, मछली के तेल में कौन सा विटामिन डी, और मछली के यकृत में पाया जाता विटामिन ए, आप लोग हाथ खींच के मार देंगे, ए मछली लिख के मिला ए मार दो, तो याद रखना मछली के यकृत, यकृत यानी लीवर, मछली के यकृत, यकृत यानी लीवर, पता है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए का, विटामिन ए का नाम, कौन से रोग से लड़ने से बचाएगा, कौन से रोग से लड़ने से कैसा होता है, कौन से फलों में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी, आगे देखते हैं, विटामिन बी को थोड़ा साइड में रखा है, ठीक है, विटामिन सी देखो, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम, ये कौन से फलों में, कौन से फलों में आप सबसे ज्यादा दूध में पाया जाएगा, मांस में पाया जाएगा, स्टोर कर पाएगा, निकाल देगा यानी कि पेशाब के रास्ते से, अगर खाने को उबाल दिया तब भी खत्म, अगर खाने का यानी कि छील दिया तब भी खत्म, शराब यानी कि अगर तब भी खत्म, और ये किसके काम में आता है, घाव भरना, किसके काम में आता है, ऐसा है नहीं जो खट्टा खाता है ना सभी, अब ऐसा थोड़ी कि डेली लेकर ही आंवला खाते, ऐसा थोड़ी है कोई आंवला खाया पता चला दो महीने से भी नहीं खाया, और विटामिन सी तो बन गया, चलिए अगला देखते हैं विटामिन डी, चलिए विटामिन देखते डी, इसका नाम क्या बता रहे, बता रहे नहीं, विटामिन डी का नाम क्या है, आपको नाम ही याद रखना है, विटामिन डी का नाम क्या है, ज्यादा हो गया क्या, हंसी वाला तो सही, कहां से कौन से एग्जाम पर डालता है उसी का, अभी आएगा, विटामिन ई हड्डियों के लिए होता है, उसको बताएंगे, विटामिन डी को किसके लिए, आ जाओ इतना मैं समझ रहा, ऊपर बोल रहा है, रेगुलर क्लास करो, देखो रेगुलर आओगे नहीं, और फ्लेक्शन ले रहे हो यार, क्या हो गया था, मैं बहुत दिन का गया, तुम भी बहाना बनाते हो, दोनों साथ में बैठे हो, कल क्या था, बात नहीं करते तुम, बता रूम पे ना, आप ही रूम पे ना, हाँ चलो इधर देखो, बस हेलो चलिए ध्यान से देखिए, ओए विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है, विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन सी का, सी का
नाम क्या है? विटामिन बी का नाम पूछेगा? विटामिन ए का? धीरे से कहिए सभी याद है, विटामिन ए का नाम विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा देगा? जिसको नहीं आता इतना बोलना आना चालू हो जाएगा, अभी घर पे जाके बोल लेना इसको। और तुम लोग बोलोगे नहीं, इतना बिजी इंसान हो, दो चार फैक्ट्रियां चल रही होंगी आपकी, अब उसमें जाके कारोबार संभालना है। चलो, विटामिन डी ना हमको सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करती है, विटामिन डी हमको सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि सबसे जल्दी मिलती है ये, यानी कि धूप में मिलती है। किसमें मिलती है? धूप को क्या बोलते हैं आपके इधर? धूप, धूप ये वाली धूप। विटामिन डी है ना सूर्य के प्रकाश से, किससे मिलती है? सूर्य के विटामिन डी किससे? सूर्य के प्रकाश। अभी ये मत देना कि अभी जाके ले ले क्या, अभी घुसा देगा एकदम, गाजर जैसा गाना बना देगा, ओवरलोड हो जाएगी और गाना गा देगा, और क्या करेगा वो, मेलानिन की मात्रा बढ़ा देगा ऑटोमेटिक। चलो ध्यान से देखो, विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी का नाम विटामिन डी का नाम क्या है? विटामिन डी का नाम ये किसके प्रकाश से मिलेगी? किसके प्रकाश से? विटामिन डी एक ऐसी है जो किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? इससे रिकेट्स नामक बीमारी है। रिकेट्स यानी सुखंडा, हिंदी बोलते सुखंडा, यानी सूखा एक व्यक्ति देखा ना, कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी की कमी है, कम होने से। इसलिए देखा होगा शहर वगैरह में या तो ज्यादा ही वसा चढ़ेगा तो फिर वसा चढ़ेगा ही नहीं, गाँव वगैरह विटामिन डी लेते रहते सुबह उठ जाते हैं। अरे हम इधर खुद नहीं विटामिन डी अभी कब से नहीं है, जब ग्राउंड था तभी 5 बजे सुबह देखा था भगवान सूर्य, उसके बाद 8-9 बजे उठते तो देखते नहीं उनको, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे कि देखा ही नहीं होगा, सुबह उठते हुए देखा है? कैसी बातें कर रहे हो? कितने बजे उठते हो? कहाँ से मिल गया? 8 बजे काला करने वाला आ जाता है। 8 बजे मत लेना कि सर ने बोला, एक दोपहर के गांव में 1 बजे बैठे विटामिन डी ले लेता हूँ, लाल लगा के चले तो बड़ा अजीब नहीं लगता वो, क्या बोलते उसको? अपने में पता है सरल लगेगा, ऐसा कल वो
और तुम लोग ऐसा लगा कि आप खुद को भाई बाप एकदम देख रहे स्मार्ट है। अरे भाई क्या बताएं, कलवा बंदर क्या लगते हो आप? लगाया नहीं तो लगाना भी नहीं। कौन सी खबर है? कौन सी खबर? चलो चलो लगाता नहीं, उसका नेचुरल होता है वो। क्या देखो बताओ, अगर वो लगा लिया ये लाल लाल दिखेगी, इसके बाद ये अलग से जाए, इसमें कौन टुकड़ेगा, ये अलग से लाल जाएगी, कैसा अधिक लगेगा भाई? ये तो सिर्फ क्या बोले, कहां सिर्फ दिया गया था यूज कर, यानी किसी भी इसको ये किसी काम का है तो इसको छेद डाला, वहां तीन चार पहन के घूम रहे और गाड़ी चलाएंगे बोल रहे कलर का और एक क्रिएट कर देंगे। अरे आप खुद एक बात समझो, अगर आप लोग नहीं, मैंने कोई बात नहीं, जो लड़के ये पहन के जल्दी पहन देते हैं, अब गाड़ी चलाएंगे तो हिलेगी नहीं। अरे सर इस जगह आराम सुनाई नहीं दे रहा, चल जाए बेचारा अत्याचार करके रखा। अगर घर में भी अगर वो एक्सीडेंट कर दो तो बोलेंगे रोड पे खड़े हो तुम। अब देखो इधर ध्यान से, वापस जाते चले छोड़ दे। हाँ वीडियो चालू है, क्यों क्या हुआ? चले ईमानदारी से पॉपी बंद करो। नहीं आज हुआ कुछ भी, गुजार पर विटामिन डी से मांस आस नहीं चढ़ता है, सॉरी विटामिन सी। चले विटामिन ए का नाम बोलो, पहले लड़के बोलेंगे देखते हैं विटामिन ए का नाम, विटामिन ए का नाम विटामिन ए हमको किससे बताएगा? विटामिन ए किससे बताएगा? कौन से फलों में पाया जाएगा? कौन से फलों में पाया जाएगा? ठीक है, अच्छा जान हो रहा है यार, इनको पता चल रहा था कि कौन सी बीमारी होगी। देखो कम हो जाओगे, अगर खाएंगे अगर कमी हुई ना विटामिन ए, कौन सी बीमारी हो जाएगी? और इतना विटामिन ए में, विटामिन बी का नाम, विटामिन ए का नाम, चलो विटामिन बी का नाम, विटामिन बी का नाम, इसको छोड़ देते ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है? सुन लिया ना तुम लोगों ने? ओके ना, विटामिन सी का नाम ठीक है। अब यहाँ से फिर सुनना, कौन से फलों में पाया जाएगा? ठीक है।
इंसाफ के रास्ते से क्या किया जाएगा? अगर खाना उबाल दिया विटामिन सी, अगर विटामिन सी अगर उबाल दिया तो विटामिन सी, अगर छील दिया तो विटामिन सी, छील दिया विटामिन सी, घाव बनने के विटामिन डी का नाम, ये किसके प्रकाश से मिलेगी? किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। ये उत्पन्न क्या करेगा? उत्पन्न करेगा बीमारी। कौन सी हो जाएगी? आज के लेक्चर यही रखते हैं, आगे देख लीजिए अपना।